हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉन कीट्स की बहुत ही ज़्यादा चर्चित कविता ओड टू आटम के बारे में लेकिन उससे पहले हम जानते हैं जॉन कीट्स के बारे में जॉन कीट्स का जन्म हुआ था सत्रह सौ पचानवे ईस्वी में 1795 और उनकी मृत्यु हुई थी 1821 सौ ईस्वी में यानी मात्र 26 साल वो जिए थे ही वॉज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स उनकी गिनती रोमांटिक पोएट्स में की जाती है जो कि इंग्लैंड के ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स कहे जाते हैं ही वॉज बॉर्न एट मून फील्ड लंडन मून फील्ड नामक जगह पर लंदन में उनका जन्म हुआ था ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट इन फील्ड उन्होंने क्लार्क्स स्कूल जो कि इन फील्ड में थी वही उन्होंने पढ़ा डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग दो चीज़ों में उनकी खासा रुचि थी क्रिकेट और बॉक्सिंग ही ग्रीव इन टू ए वरासियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी वो ग्रीक मिथोलॉजी के काफी ज्यादा कह सकते हैं कि प्रशंसक थे बहुत ही ज्यादा उसे पढ़ते थे ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनिड उन्होंने वर्जिल की एक बहुत ही पुराने जो एक क्लासिकल ऑथर हैं ग्रीक ऑथर हैं उनकी ट्रांसलेशन भी शुरू करी उनकी एनिड एक बुक है हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट वॉज फायर्ड बाई हिज फर्स्ट एक्वांटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन उनके अंदर जो पोइट बनने की इच्छा जगी वो फेरी क्वीन जो कि एडमन स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है काफ़ी ज़्यादा उससे वो मोटिवेटेड थे इंस्पायर्ड थे हिज फर्स्ट पोएम लाइंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर उनकी जो पहली कविता थी लाइंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वो पब्लिश हुई थी 1814 में जिस समय वो मात्र 19 साल के रहे होंगे हिज ओड्स उनकी जो कुछ कविताएं हैं ऑन इंडोलेंस ऑन एग्रेशन अर्न टू साइकी to a nightingale on melancholy and to autumn ye sab jo hai bahut hi jyada famous hui these odes made him a great romantic poet aur in odes ne unhe ek mahantam romantic poets के तौर पर establish किया of English literature अंग्रेजी साहित्य के सो डिड लामिया एंड हैपेरियन इसके अलावा लामिया हैपेरियन जो उनकी कृतियाँ हैं बहुत ही ज्यादा फेमस हुई ही डायर ऑफ ट्यूबर क्लॉसिस उनकी डेथ ट्यूबर क्लॉसिस के कारण हुई अठारह सौ इक्कीस ईस्वी में एट द एज ऑफ ट्वेंटी सिक्स छब्बीस की उम्र में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ जीवन के इस छोटे से काल में ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उपलब्धियाँ हासिल करी हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी एंड रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेंस एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ उनकी जो पोएम्स हैं उनकी जो लेटर्स हैं उनमें जीवन के पीड़ाओं जीवन की वेदनाओं को बहुत ही ज़्यादा मार्मिक रूप से समझाया गया है बहुत ही ज़्यादा गहरे तौर पर नक्का की गई है उसकी उसको उतारा गया है पंक्तियों में शब्दों में टू हिम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर इवर उनके लिए सुंदरता वास्तव में सुंदरता वो थी जो हमेशा जॉय दे खुशियाँ दे एंड ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी और उनके लिए सच्चाई सुंदर था अर्थात उनके लिए सुंदरता ही सच था जो कि कभी खत्म नहीं होती सत्य समय के साथ बदलता जरूर है लेकिन वो खत्म नहीं होता इन द पोएम ओ टू ऑटम यह जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं ओट टू ऑटम कीट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्ट्रिस्टिक स्प्रिट ऑफ ऑटम वो इस कविता में ऑटम सीजन जो कि सबको जिसको हेट करता है उसकी प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं इन द सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर उन्होंने हमेशा से प्रकृति की तारीफ करी है और इस कविता में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है प्रकृति की प्रशंसा करी है जो कि सबसे ज़्यादा खराब सीजन माना जाता है सबसे ज़्यादा बेरोनक अनइंटरेस्टिंग सीजन माना जाता है उनकी उन्होंने प्रशंसा की है उनके अंदर की खासियत इन्होंने बताने का प्रयास किया है तो आइए कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं सीजंस ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस उन्होंने इस सीजन को मेलो फ्रूटफुलनेस यानी फल देने वाला सीजन कहा क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन और इस सीजन को फ्रेंड भी बताया मैच्योरिंग सन का परिपक्व यानी मैच्योर होते हुए सन का एक फ्रेंड बताया बॉजम फ्रेंड बहुत ही ज्यादा करीबी मित्र बताया कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस और किस तरह से वो सूर्य से सीखता है कि लोड करना किसी को खुशियां देना किसी के लिए कुछ करना विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड रन टू बेंड विथ एप्पल्स द मोज कॉटेज ट्रीज मतलब हर जगह जो पेड़ होते हैं हर जगह जो वाइन्स लताएं होती हैं उनमें फल लदे होते हैं एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर और यह वही सीजन है जो फलों को अंदर तक पकाता है कोर मतलब गुदा होता है आंतरिक भाग जो फल का होता है टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हेजल सेल्स विथ अ स्वीट कनल टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज मतलब वो सिर्फ फल ही नहीं बल्कि फूल भी देता है मधुमक्खियों के लिए अंटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज उन्हें लग जाता है कि गर्मी के दिन कभी खत्म नहीं होंगे एक तरह से गर्मी से हमें राहत देता है क्योंकि ये समर के बाद ही आता है फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम्ड देयर क्लामी सेल्स जब लताएं जब पौधे गर्मी से तंग आ चुके होते हैं तो यह सीजन उन्हें एक राहत का काम करती है दूसरा स्टांजर हु हैथ नॉट सीन द ऑफ्ट स्टोर समटाइम्स हु यूवर सिक्स एब्रॉड मे फाइंड यानी हम जब कभी इधर उधर जाते हैं तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं अपने चारों तरफ दिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड इसमें जो हवाएं चलती है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है जो हमें कहीं से भी परेशान नहीं करती हैं और ऑन ए हाफ रीप्ड फ्रो साउंड असलीप सभी मौज में सो रहे होते हैं सभी आनंद में सो रहे होते हैं ड्राउज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स सभी फूल धीरे धीरे अपने रौनक में आने लगते हैं फिर से उसी रूप में जो शुरू में वे होते हैं क्योंकि गर्मियों में तप से जाते हैं एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर द डोस्ट कीप इी दाई लैरन head अक्रॉस अ ब्रूक बा ए साइडर प्रेस विथ पैसेंट लूक द वॉचिस्ट द लास्ट ऊजिंग आवर्स आवर्स और जिस क्षण में सभी उस गर्मी के ढलने का इंतजार करते हैं तो ये, ये सीजन जो है उनके लिए एक राहत लेकर आती है उनके लिए एक ठंडक लेकर आती है और सबके इंतजार को सबके सब्र को कम करती है तीसरा और आखिरी स्टांजा व्र आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग और इस सीज़न को देखते ही सभी स्प्रिंग सीजन का इंतज़ार करने लग जाते हैं सबको अब उम्मीद हो जाती है कि स्प्रिंग सीजन भी जल्दी आएगा ए वेर आर दे थिंक नॉट ऑफ देम उनका मत सोचो द हैस्ट द म्यूजिक टू और धीरे धीरे वह संगीत भी सुनाई देने लग जाती है वाइल बैड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे जिस तरह से बादलों से छाया हुआ रहता है गर्मी का मौसम और ज्यादा बादल छाकर यह हमें ठंडक देने का काम करती है एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू और हर तरफ चारों तरफ जो है गुलाबों जैसा एक हरियाली एक रंगीलापन छा जाता है देन इन ए वेलफुल कॉयर द स्मॉल नेट्स मर्न एमंग द रिवर्स सैलोज बॉन्ड एलॉफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड Lives और dies. हवाएं भी धीरे धीरे अपना रूप लेने लग जाती हैं एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बोन और पहाड़ी इलाके से ब्लीट ब्लीट मतलब मिमियाना होता है जो लैम्प्स होते हैं जो सीप के बच्चे होते हैं उनके मिमियाने की आवाज़ उनके ब्लीट की साउंड हमें सुनाई देती है हेज क्रिकेट्स सिंग और झिंगूर शब के गाने लग जाते हैं एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रिस्ट पक्षी जो होती है तरह तरह के विशल फ्रॉम अ गार्डन एंड क्राफ्ट और बगीचे से वे उनकी आवाज़ें हमें सुनने को मिलने लग जाती हैं एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज और आसमान में जो स्वैलो पक्षी होता है तरह तरह के पक्षी जो है वो छाने लग जाते हैं वो खुशियाँ मनाने लग जाते हैं एकत्रित होकर सो दीज आर द लाइन्स विच आई हैव रेड टू यू आई होप यू गॉट इट एंड यू आर एबल टू

तो ये सारे क्वेश्चन हैं इसके अलावा वट सीजन हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द पोएम ओड टू ऑटम अब शीर्षक से ही पता चलता है कि ऑटम सीजन की बात करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ रह सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस पोएम देन यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक यू